पढ़ने लिखने वाले लोगों का भी ये सवाल होता है कि क्या वैवाहिक अपराध की FIR दर्ज अगर हो जाए हमारे खिलाफ तो क्या मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहने का मतलब कि जो वैवाहिक अपराधों की FIR है अर्थात 498A की जो FIR है उसमें अगर नाम किसी का आ जाए और वो व्यक्ति बंदा पढ़ने वाला हो लिखने वाला हो तो क्या उसे नौकरी मिलेगी, इसके संदर्भ में एक डिटेल से हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। उसमें सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया है कि कब उसको नौकरी मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, कौन कौन से अपराध में उसे नौकरी मिलती है, बरी हो जाने के बाद मिलती है या किस तरह से बरी होने पर भी नहीं मिलती है। इन सब के अलावा आज खास जो यह वीडियो है सिर्फ वैवाहिक अपराधों की FIR में नाम आ जाने से आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज ये साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के बारे में, उस आदेश के बारे में जिसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि कोई भी मामला हो प्रतिवादियों को या वैवाहिक अपराध की जो FIR हो उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम मात्र आ जाने से नौकरी उसकी नहीं छीनी जा सकती या उसे नौकरी पद पर ना दिया जाए या नौकरी ना दिया जाए ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, ये तो सरासर अन्याय होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि वैवाहिक अपराधों की FIR में केवल नाम आ जाने से ही सार्वजनिक नियुक्ति में बाधा नहीं माना जा सकता है। कहने का मतलब कि अगर वैवाहिक अपराधों की FIR दर्ज हो जा रही है तो ऐसा नहीं है कि उसकी नियुक्ति पे रोक लगा दी जाएगी या उसकी नियुक्ति गलत मानी जाएगी, उसकी नियुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब धारा 498A के मामले में पति के सभी रिश्तेदारों को आजकल फंसाने का ट्रेंड चला है, प्रवृत्ति चली है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट ने कहा कि जो वैवाहिक मामले हैं 498 है उसमें पति के अलावा जो घर के लोग हैं रिश्तेदार हैं उन्हें इतना तेज़ी से फंसाया जा रहा है, जबकि रिश्तेदार का क्या काम होता है भैया, वो आया निमंत्रण खाया चला गया, एक दो दिन आया, एक दो दिन में तुमको टॉर्चर वो काय करेगा, वो अपना घर संभालेगा कि तुम्हारे घर आएगा टॉर्चर करने। तो जो लोग फर्जी लिखा देते हैं कि बहनोई का नाम, इसका नाम, उसका नाम, जीजा का नाम, कहीं जो है और मौसी का लड़का है, जीजा का लड़का है, किसी न किसी का नाम बेवजह लिखा देते हैं, तो कहने का मतलब कोई भी बंदा एक दो दिन के लिए अगर आया है वो मेहमान बन के रिश्तेदारी में निमंत्रण के लिए, ऐसा नहीं तुमको टॉर्चर करने लगेगा, भैया किसी की हिम्मत थोड़ी है किसी को टॉर्चर करना, नहीं नहीं बहू आई तो उसको टॉर्चर, अरे हो सकता है कि घर वाले करें लेकिन रिश्तेदार काहे करेंगे, भैया तुमने उनका क्या बिगाड़ रखा ये बताओ, और फिर क्या रिश्तेदार यहाँ आएंगे हमेशा रहेंगे, अरे वो अपना काम देखेंगे मेरे भाई, आप अपना काम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं 31/5/2023 अर्थात यही 4-5 दिन पहले यानी कि 31/5/2023 का वो लेटेस्ट जजमेंट, वो जजमेंट क्या है उसे भी आप जानेंगे और जानेंगे पूरा मामला इसमें क्या था। सबसे पहले वो केस समझ लीजिए, विक्रम रुहाल बना दिल्ली पुलिस एंड अदर्स ORS VWP C 57/18/2023, इसमें ऑनरेबल जस्टिस वी कामेश्वर राव व अनु कुमार साहब ने इसमें एक ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर क्या है आपको वो भी बताएं। इसमें याचिकाकर्ता जो था विक्रम रुहाल की नियुक्ति होने वाली थी दिल्ली SI पद में, दिल्ली पुलिस के विभाग में SI अर्थात सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सारी फॉर्मेलिटीज हो गई थी, बस उसको नियुक्ति मिलनी थी। बस हुआ ये कि उसकी भाभी ने FIR रजिस्टर्ड करा दिया, 498A का मामला जो था उसने दर्ज करा दिया,
उसके साथ धाराएं थी 323, 406 और 313 आईपीसी। इस तरह की धारा में अब एक चीज और थी कि जो उसकी भाभी ने मुकदमा दर्ज कराया, अब भैया भाभी ने मुकदमा दर्ज कराया, बहनोई लगे या देवर लगे, यहाँ बात बहनोई या देवर की नहीं है। जहाँ बात है कि देखिए जो अभियुक्त था वो मेन आरोपी नहीं है कि मेन आरोपी है भैया, वो रिश्तेदार होने के कारण, बहनोई होने के कारण वो जो होगा संपार्श्विक अभियुक्त माना जाएगा। तो इससे उसको लाभ मिलेगा। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर में क्या कहा कि प्रतिवादियों को इस आदेश के पारित होने से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन संबंधित पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया। कहने का ये मतलब है कि वो मेन आरोपी तो है नहीं, और फिर कोई हत्या थोड़ी कर दिया है, बलात्कार थोड़ी कर दिया है भैया, उसका नाम किसी का नाम FIR में लिखा दो तो वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए इसका मतलब। अरे उसका दोष सिद्ध थोड़ी हो गया है, साबित थोड़ी हो गया कि बस FIR में नाम आ गया तो वो सब कुछ हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए अभियुक्त वो पार्श्विक संपार्श्विक अभियुक्त उसे माना जाएगा, चूँकि वो रिश्तेदार था। अभियुक्त जो था वो संपार्श्विक अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था शिकायतकर्ता का बहनोई होने के नाते, तो उसकी नियुक्ति अगर साफ साफ कोर्ट ने कहा अगर सारे कोरम पूरा कर रहा है उसका जो नियुक्ति है, तो नियुक्ता जो है जो नियुक्ति करने वाले लोग हैं इन सब चीजों को देखें और नियुक्ति दें। तो अगर आपके दिल दिमाग में है कि 498A जैसे मामले में अगर आपका नाम आ जाता है और आप ये सोचते हैं भैया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऐसे सवालों का आप अंत कर लीजिए, बिल्कुल परेशान ना होइए, आपको नौकरी मिलेगी।